स्वराज इज नॉट रूल ऑफ द सेल्फ बट रूल ऑन द सेल्फ। तो हेल्थ की भारतीय व्याख्या क्या है कि हेल्थ इज फ्रीडम। राइट क्वेश्चन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन राइट आंसर। ही टर्नड आउट टू बी ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी। फिर आरोग्य स्वराज, ये शब्द हमने कॉइन किया। मैं थोड़ा उसका पहले इतिहास बता दूं। यूएस से लौटे थे और उससे किसी काम से मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में एक जगह है गांधी पीस फाउंडेशन, वहाँ मुझे एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की कराई गई। तो बूढ़े से थे, थोड़े गांधी जी ऐसे दिखते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अमेरिका से पब्लिक हेल्थ सीख क्या है, मैंने कहा हाँ। तो हेल्थ की भारतीय व्याख्या क्या है, क्या है? मैं कन्फ्यूजन में, ये पार्क की किताब से रटी थी, हेल्थ इज अ फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग एटसेट्रा एटसेट्रा। वो मैंने उनको सुना ही, तो उन्होंने से उड़ा दिया, वो बोले वेस्टर्न फैड है। मैंने तुमको इंडियन डेफिनेशन पूछी, व्हाट इज़ द इंडियन डेफिनेशन, नहीं पता। मुझे कबूल करना पड़ा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इंडियन डेफिनेशन कुछ अलग भी हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा हेल्थ के लिए भारत में शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वस्थ। स्वस्थ शब्द में ही भारतीय व्याख्या छिपी है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जो आकाश में स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, आकाशस्थ, जो तट पर स्थित है उसको कहते हैं तटस्थ। वैसे जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ। अभी स्व में स्थित क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना अहंकारी कि जो अपने अहंकार में ही कायम मशगूल रहता है, आत्ममग्न नहीं। स्व में स्थित है इसका मतलब वो औरों पे निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। तो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, इसका मतलब उसको किसी और पे अवलंबित नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर मन सभी फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं, इसलिए वो आत्मनिर्भर है, औरों पे अवलंबित नहीं है। सो अदर वर्ड इसका मैं थोड़ा एक्सटेंशन करके ऐसा कहूँ, इसका मतलब होता है कि हेल्थ इज फ्रीडम। हेल्थ मीन्स फ्रीडम, हेल्थ मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ मीन्स फ्रीडम। जो ऐसे आत्मनिर्भर नहीं है, परनिर्भर है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्वस्थ। तो क्या सुंदर व्याख्या है। भारत में हेल्थ की व्याख्या इसलिए नहीं है कि तुम्हारा बीपी क्या है, बीएमआई कितना है और तुमको टेम्परेचर है कि नहीं, दैट इज वेरी इमेटेरियल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। भारत की हेल्थ की व्याख्या ही पॉलिटिकल है, आत्मनिर्भरता पर वो अवलंबित है, अपने कर्तव्य पूरे कर सकना, अपनी जरूरतें खुद पूरे कर सकना, ये एबिलिटी को भारत में स्वास्थ्य कहते हैं। बहुत सुंदर फंक्शनल व्याख्या है कि मैं मेरे फंक्शंस ठीक से कर सकूं, उसके लिए दूसरे पर मुझे निर्भर न रहना पड़े, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। तो फिर अगर मुझे मेरे हेल्थ के लिए अगर मुझे डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़े, तो ये स्वास्थ्य हुआ क्या? अगर गवर्नमेंट पे निर्भर होना पड़े, ये स्वास्थ्य हुआ क्या? ये तो अस्वास्थ्य हुआ। वेरी फैक्ट दैट आई एम डिपेंडेंट आइदर ऑन गवर्नमेंट और ड्रग इंडस्ट्रीज और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, इसका मतलब मैं क्या हुआ, अस्वस्थ हुआ। तो हमारा गोल तो कोई अस्वस्थता नहीं हो सकता है। यद्यपि लोगों को ज़रूरत पड़े तब ये सभी देना पड़ता है, हॉस्पिटल, डॉक्टर और ड्रग तीनों ही लगते हैं, लेकिन वो गोल नहीं है। तो गोल क्या होना चाहिए? तो इस जो स्वस्थ शब्द में उन्होंने मुझे वो दिखाया, वो नया दर्शन था मेरे लिए। उसके पहले 10 साल एमडी करते, मैंने 10 तो नहीं, शायद 9 साल मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था और फिर एमपीएच भी किया था, लेकिन ये एक सवाल किसी ने मुझे नहीं पूछा था। इसलिए कई बार मैं आपको एक कह दूँ, थोड़ा डाइग्रेशन, कि राइट क्वेश्चन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन राइट आंसर। आंसर तो कई जगह छपे होते हैं, कभी क्वेश्चन ही हम नहीं पूछते हैं, लेकिन एक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने वाला मिल गया
बस उसने एक ही क्वेश्चन पूछा और मेरी जिंदगी भर के लिए एक नई सोच की दिशा उसमें से मैं खोजते रहा। अच्छा, बाकायदा मैंने शुरू में आपको कहा था कि वो आदमी गांधी जी जैसे देखता था, ही टर्नड आउट टू बी ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सबसे छोटे जो पुत्र थे देवदास गांधी, उनका ये लड़का था, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी, शांति निकेतन में प्रोफेसर थे, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, बूढ़े हो गए थे उस समय, तो रिटायर होके दिल्ली में रहते थे। मेरा बड़ा सौभाग्य, गांधी को तो मैं कभी नहीं मिला, लेकिन एक तो रामचंद्र गांधी को मिल लिया और उन्होंने मुझे वो सवाल पूछ लिया। अब ये गांधी नहीं तो गांधी के पोते के मुंह से ये सवाल मुझे पूछना था, तो कितना सौभाग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राइट क्वेश्चन इज फार मोर रिवीलिंग। वो तुमको इतनी इतना तुम्हारे मन में विचार भी पैदा करता है, खोज भी पैदा करता है, और जब आदमी खोज करता है तो जवाब मिलता ही है। रियल जो ज़रूरत होती है वो खोज शुरू होने की होती है, जवाब में से कभी खोज शुरू नहीं होती है, प्रश्न में से खोज शुरू होती है। सो प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग सिर्फ हैरिसन में या पार्क में जवाब पढ़ते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, कि हमको वहाँ हजारों पेज के जवाब ही दे दिए, छाप दिए हैं और कहते हैं रटो। अरे सवाल ही नहीं है, जवाब रटे जा रहे हैं, तो बहुत दिल में उतरते नहीं हैं। इसलिए राइट क्वेश्चन, तो राइट क्वेश्चन पूछने वाले एक आदमी से कितनी हेल्प हो जा सकती है, इसका उदाहरण मैं आपको कह रहा था। अब फिर ऐसे हुआ कि अगर हेल्थ की ये व्याख्या है, लेकिन ऐसे तो होगा कि कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी बीमार पड़ेगा, उस क्षण में तो स्वस्थ नहीं रह सकता है, तो उसको फिर हेल्थ केयर की ज़रूरत तो पड़ेगी, फिर उसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर गांधी का एक दूसरा शब्द या दूसरी कंसेप्ट मैंने ली, वो कंसेप्ट क्या है, ग्राम स्वराज, कि भारत ये 6 लाख कम्युनिटीज़ का बना हुआ देश है, एवरी विलेज इज स्मॉल इंडिया, इट इज़ मिनी इंडिया, और 80-90% तो भी वो गांव अपने आप पर ही निर्भर है। उस गांव का अपना एक कुआं है, एक रास्ता है, वो गांव में एक मंदिर है, वो गांव में खेती है, वो खेती भी है, मजदूर भी है, पुरुष भी हैं, औरतें भी हैं, कुम्हार भी है, लोहार भी है, किसान भी है, नाई भी है, एक दूसरे के फंक्शन करते हैं, सब मिला के वो गांव 80% तो भी आत्मनिर्भर है, 20% उसको बाहर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 80% आत्मनिर्भर है। तो गांधी ने उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया ग्राम स्वराज। हर गांव एक अपना स्वराज उसका है और वो ज़्यादा होना चाहिए। जितनी उसकी अवलंबित्व औरों पे कम होगा, उतना उस गांव का अपना स्वातंत्र स्वराज तो वो सही माने में होगा। सिर्फ यूनियन जैक चला गया और वहाँ तिरंगा झंडा आ गया, इससे स्वराज नहीं हुआ। इससे इतना ही हुआ कि नेशनल गवर्नमेंट बदली, स्वराज नहीं हुआ। मेरे बजाय जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र मोदी कोई भी वहां झंडा वहां फहरा है, तो मुझे ब्रिटिश के बजाय तो ये लोग ज्यादा अपने हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट फिर भी बहुत दूर के हैं भैया, यहां से 1500 किलोमीटर दूर है, और हम जैसे 134 करोड़ में से वो एक है, तो दैट्स नॉट इनफ। इसलिए इनफ क्या होना चाहिए, इनफ यह होना चाहिए कि हर गांव अपने आप में जहां तक संभव है उस वो अपना स्वराज होना चाहिए, जहां तक संभव है हर परिवार का अपना स्वराज होना चाहिए, ताकि कम से कम वो ज़्यादा बाहर के लोगों पर निर्भर करें। परिवार में प्रेम अगर है और परिवार अगर एक दूसरे के साथ प्रेम से खाने के समय समय बिताता है, तो उसको उस समय टीवी देखना चाहिए क्या? टीवी इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन टू कीप योर अटेंशन एंगेज्ड, एंटरटेनमेंट, और जब वो धीरे धीरे परिवार के अंदरूनी डायलॉग को, बातचीत को और प्रेम को रिप्लेस करने लगता है, तो ये क्या हुआ, अस्वस्थ। ये परिवार स्वस्थ नहीं है, स्व में स्थित नहीं है। तो वैसे ही हेल्थ के लिए एक स्वस्थ, ये शब्द कंसेप्ट, हेल्थ इज फ्रीडम,
फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन अदर्स, और दूसरा ये किसका यूनिट जहां तक संभव हो वो गांव बने, क्योंकि गांव में 1000 लोग हैं। अब हर आदमी कोई हेल्थ वर्कर नहीं बन सकता, लेकिन 1000 में एक या दो तो हेल्थ वर्कर बन सकते हैं, जैसे कुम्हार होता है, लुहार होता है, बढ़ई होता है, वैसे हेल्थ। तो इसलिए इसके एक्चुअली हेल्थ के प्रत्यक्ष आचरण के लिए, प्रोग्राम के लिए गांव का आरोग्य ये ज़्यादा फिजिबल कंसेप्ट है। व्यक्ति का खुद का तो है ही है, लेकिन हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए गांव ये यूनिट अच्छा है। इसलिए फिर आरोग्य स्वराज ये शब्द हमने कॉइन किया। तो आरोग्य स्वराज का मतलब है कि व्यक्ति जहाँ तक संभव हो अपने आत्मनिर्भर रहे, औरों पे अवलंबित न रहे। मोमेंट वो औरों पे अवलंबित रहा, इसका मतलब डिसेबल्ड हो गया, डिसीज हो गया, तो अस्वस्थ हो गया। और दूसरा कि इसकी रचना अगर बनानी है तो गांव को यूनिट मानना चाहिए, और गांव में हेल्थ केयर की इतनी फैसिलिटी हो कि कम से कम गांव की ज़्यादातर हेल्थ की ज़रूरतें गांव में ही पूरी हो जाए। ये आरोग्य स्वराज की कल्पना है। अब इसमें और एक चीज़ जोड़ दूँ, स्वराज का मतलब क्या? स्वराज का मतलब स्वातंत्र नहीं। तो स्वराज का मतलब क्या? तो अक्सर हम कहेंगे स्वराज का मतलब मेरा राज, मेरा राज। ये तो बड़ी खतरनाक कल्पना है, इसलिए कि थोड़ा सोचिए, ज़्यादातर लोगों को अगर हाथ में उनके पावर आ जाए, खुद का राज का मतलब मेरी पावर, मेरी सत्ता, तो क्या परिणाम होगा? आदमी का मन कैसे चलता है, कितनी चीज़ें उसको चाहिए, क्षण क्षण में विचार बदलते हैं, इच्छाएं बदलती है, कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है, कभी तो भयानक और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। तो इसका राज, तो ये तो कोई बड़ी अच्छी बात तो नहीं लग रही है। एक कहानी है कि एक आदमी जा रहा था, राहगीर था, रास्ते में उसको एक बहुत थक गया, धूप थी, भूख लग गई, प्यास लग गई, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा। अब उसने सोचा बैठे बैठे, क्या बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अब हुआ ऐसे कि वो पेड़ कल्पवृक्ष था, इसको पता ही नहीं था, लेकिन वो पेड़ तो कल्पवृक्ष था। इसने कहा पानी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ढैंग, एक ट्रे में पानी का, ठंडा पानी पिया, बड़ा अच्छा लगा, आहा क्या शीतल है, थोड़ा खाना मिल जाए, ढैंग, खाने की प्लेट आ गई, आहा बाद में थोड़ी कुछ मिठाई मिल जाए, वो भी आ गई। अब इसको पहली बार एहसास हुआ कि जो मैं जो भी चाह रहा हूँ वो हो जा रहा है, ऐसा तो अक्सर नहीं होता है, कुछ भूत प्रेत तो नहीं है, ढैंग एक भूत आ गया। तुमने उस पेड़ के नीचे तुम जो जो चाहोगे, विचार करोगे, वो हो जाएगा, तो भूत आ गया, ये मुझे खा तो नहीं लेगा, ढैंग। तो स्वराज तो खतरनाक हो सकता है, मेरे स्व का कोई भरोसा नहीं। मैं अगर मेरे माइंड को स्व समझ लूं तो मेरा माइंड तो खतरनाक प्राणी है भैया। तो स्वराज शब्द में ये जो स्व है वो मेरा मन नहीं है, ये मन तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक मामला है। ये आप में से हर एक को एहसास होगा कि अपना मेरा मन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये सबको मान्य है क्या कि कोई अपने आप को एकदम फरिश्ता समझते हैं? नहीं ना। तो इसलिए स्वराज में जो स्व है वो मेरा मन नहीं है। फिर क्या है? शायद मेरा विवेक है, मेरी कॉन्शंस वो है। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब में एक बड़ा मार्के का स्टेटमेंट किया है, अक्सर उसके और लोगों का बहुत ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उसमें दूसरे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में लोग उलझ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा मार्के का स्टेटमेंट किया है, स्वराज इज नॉट रूल ऑफ द सेल्फ बट रूल ऑन द सेल्फ। थोड़ा सोचो,
स्वराज का मतलब मेरी इच्छाओं का दूसरों पर राज नहीं है, मेरे विवेक का मुझ पर, मेरे मन पे राज है। मन चाहता है इसके पैसे चुरा लूं, इसकी बैग मुझे मिल जाए, या ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। उसका राज मेरे मन पे ही, मेरे विवेक का, मेरे बुद्धि का राज होना, नियंत्रण होना, दैट इज स्वराज। तो आरोग्य स्वराज में यह भी होगा कि मेरे मन पे और मेरे बिहेवियर पे मेरा कंट्रोल होगा, तो मैं डाइट हेल्दी लूंगा, अच्छा लगता है इसलिए पिज्जा नहीं खाऊंगा, या मिठाई हल्दीराम की बहुत नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि मेरे विवेक का, मेरे बिहेवियर पे राज चलेगा। टोबैको अल्कोहल नहीं लूंगा क्योंकि मेरे विवेक का, मेरे बिहेवियर पे राज चलेगा। तो स्वराज की व्याख्या में मेरे बुद्धि का, मेरे विवेक का, मेरे मन पे, मेरे बिहेवियर पे नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, आत्म संयम, ये भी उसमें आ जाता है। और जितना हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ रहे हैं, उतना तो हम जानते हैं कि ये मेरे सेल्फ कंट्रोल का, मेरे बिहेवियर पे मेरा नियंत्रण कितना इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे यही ऑल इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो आरोग्य स्वराज कल्पना में ये तीनों चीज़ें आ गई। एक, हेल्थ इज फ्रीडम। नंबर दो, कि हेल्थ सर्विस देने का यूनिट जहाँ तक संभव हो गांव हो, ताकि गांव का आरोग्य स्वराज। और तीसरा है, स्वराज का मतलब मेरा खुद पर, मेरी बुद्धि का, मेरे विवेक का, मेरे आचरण पे और मन पे नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, आत्म संयम, ये भी स्वराज में आ गया। तो आरोग्य स्वराज का अर्थ, एक तो मैंने कैसे पाया और उसको कैसे विकसित किया, वो आपके सामने रखा।